अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के साथ कई बैंकों ने भी पूरे पाकिस्तान में सोलर पैनल देने शुरू कर दिए। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इन बैंकों में आप कैसे करेंगे, कौन कौन से बैंक हैं, तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ऑन कर लें। आपको वन बाई वन सब बैंकों की तफसीलात की डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर अलबरका बैंक आपको कारोबार के लिए भी और घर के लिए भी सोलर पैनल दे रहा है। अलाइड बैंक से आप सोलर पैनल ले सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका आपको कैसे है मिलेगा। बैंक अल्फला आपको दे रहा है भारी बिलों से नजात और इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद बैंक आता है बैंक इस्लामिक, जो कि आपको ऐसे सोलर पैनल देगा जिसके बाद आपके बिजली के बिलों में इंतहाई कमी भी होगी और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई कर सकेंगे। बैंक ऑफ खैबर से अगर आप लेना चाहते हैं सोलर पैनल, तो इसमें आपको अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन कैसे मिलेगा। और साथ में फैसल बैंक भी आपको दे रहा है सोलर पैनल की तफसीलात की डिटेल, जो कि व्हाट्सएप पर चैट के जरिए भी आप इनसे रابطہ करने से ले सकते हैं। साथ में आपको मेज़ान बैंक से सोलर पैनल की तफसीलात की डिटेल्स भी बताई जाएंगी और बैंक ऑफ पंजाब से भी आप सोलर पैनल कैसे ले सकते हैं उसका मुकम्मल तरीके का आज की वीडियो में बताया जाएगा। आपको जैसे बता दिया कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको गवर्नमेंट के किसी भी अदारे की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्कीम की इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल लेवल्स पर वीज़ा जॉब्स की डिटेल्स से सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं। अब आपने अप्लाई करने के लिए इन तमाम बैंकों में जिस भी नज़दीकी ब्रांच में आप जिस बैंक के रहते हैं उससे आप सोलर पैनल लेना चाहते हैं। अगर आपकी आमदन कम है या आप भारी बिलों के बिजली के बिलों से परेशान हैं, तो आप इन बैंकों के ज़रिए कैसे सोलर पैनल अपने घर में लगवा सकते हैं उसकी डिटेल जानने के लिए सेज जॉब सिटी वेबसाइट ओपन करें, जहां पे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए किसी भी इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़े और भी दीगर बहुत सारी अपडेट इस वेबसाइट के ज़रिए मिलेंगी। इन बैंकों की तमाम की डिटेल्स बैंक सोलर पैनल का स्कीम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पर आकर तफसीलन इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें कि आपको जिस भी बैंक से सोलर पैनल लगवाना है, तो ये बैंक उन लोगों के लिए स्कीम लेके आया है, चाहे उनकी आमदन कम है चाहे ज़्यादा है, लेकिन वो भारी बिलों के परेशान हैं, वो बिल दे नहीं सकते और वो अपने घर में या कारोबार में सोलर पैनल लगवा के अपनी बिजली की बचत भी करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि आपका अगर ज़्यादा बड़ा सेटअप है या आपको ज़्यादा बड़े पैनल पे सोलर पैनल इन्वर्टर बैटरी या इंस्टॉलेशन करवानी है, तो आप यकदम इतने पैसे अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये बैंक आपको बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र दे रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बैंक ऑफ पंजाब आ जाता है, जिसका फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, इस बैंक में सोलर पैनल के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका, ये सिर्फ दो पेजों का फॉर्म है जिसमें आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा उसका, जो इस चीज़ की तसल्ली करवाए बैंकों के वाकई ही इस बंदा सोलर पैनल लगवाने का मुस्तैक है, या अगर आप मुस्तैक नहीं भी हैं और आपका एक कारोबारी बड़ा सेटअप है, तब भी आप इस बैंक से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है मेज़ान बैंक। मेज़ान बैंक का नाम बड़े बैंकों में एक आता है, जिसके ज़रिए आपको कैसे अप्लाई करना है। मेज़ान बैंक में सोलर पैनल अप्लाई करने का दरख्वास्त फॉर्म आपको उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप चाहे शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, काम में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, दरख्वास्त फॉर्म फिलअप करने के बाद बैंक में जाके आपने अपनी सारी तस्दीक करवानी है और बताना है कि मैं वाकई सोलर पैनल लगवा के अपने बिजली के बिलों को कम करना चाहता हूं, और ये दरख्वास्त फॉर्म आपको जो डाउनलोड करना है उसके लिए आपको बता दिया वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने से आपको डिटेल मिलेगी, लेकिन इसकी शरात और सवाबत आपको पहले पढ़नी होंगी, जिसके पढ़ने के बाद आपने सिग्नेचर करके बैंक में फॉर्म जमा करवा के पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर से आप इस सोलर पैनल की स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बैंक आता है बैंक अल्फला आ जाएगा, जो कि बैंक अल्फा है। ये फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है, ये चार पेजों का फॉर्म है, और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कितनी मद में और कितना बड़ा सोलर पैनल दिया जाएगा इस बैंक की उसकी तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी। इसके बाद बैंक आ जाता है बैंक ऑफ अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान। अलाइड बैंक से अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, इसके लिए पाकिस्तान में जिस जहाँ पर इनकी ब्रांचेज हैं आपको अपनी प्रूफ देना पड़ेगा इनकम का। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे अलाइड बैंक के इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर अलाइड बैंक
बैंक में सोलो फाइनेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लहदा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके लिए आपकी उम्र 21 साल से 59 ईयर तक हो, चाहे आप बिज़नेस करते हैं चाहे आप जॉब करते हैं, दोनों मद में आप ले सकते हैं। और इसके लिए जो कागजात रिक्वायर्ड हैं उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इस बैंक से अगर आप सोलो पैनल लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप के ज़रिए भी इनके बैंक के नुमाइंदे से स्टार चैट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास व्हाट्सअप साइन इन होगा तभी आप अप्लाई के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है बैंक अल्फ़ला से। बैंक अल्फ़ला एक बड़े बैंकों में नाम इसका शुमार होता है। बैंक अल्फ़ला से अगर आप सोलो पैनल लगवाना चाहते हैं तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। सोलो पैनल के साथ आपको बिजली की बचत और इसके लिए आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इसमें आपको जो अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको कितनी देर में ये सोलर पैनल दिए जाएंगे जिसकी प्रोसेसिंग चार्जेस 5,000 रुपये हैं। अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी और मैसेज टाइप करके सबमिट करेंगे। बैंक का नुमाइंदा आपका डाटा देखने के बाद खुद आपसे रब्ता करेगा और आपको बताएगा कि आप कितना सोलो पैनल बैंक अल्फ़ला से ले सकते हैं। बैंक इस्लामिक से अगर आप सोलो पैनल लगवाना चाहते हैं, अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आ जाता है। बैंक इस्लामिक से सोलो पैनल लगवाने का तरीकाकार ये है, डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे जिसमें अपना नाम, अपना ईमेल, सिटी, फ़ोन नंबर, आप किस टाइप के लिए, बिज़नेस टाइप के लिए या कमर्शियल टाइप के लिए या घरेलू टाइप के लिए कर लेना चाह रहे हैं सोलर पैनल, आप आके उसकी डिटेल लिखेंगे और अपना कोई क्वेश्चन लिखने के बाद सबमिट करेंगे। इस बैंक ने भी अपने पास एक व्हाट्सअप का चैट दिया है, अगर आप चैट के ज़रिए इनसे नुमाइंदा से बात करके अगर सोलर पैनल की डिटेल लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अगले नंबर पर आखिर पे आ जाता है बैंक खैबर। बैंक ऑफ खैबर से अगर आप सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे, खैबर बैंक की आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। खैबर बैंक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू, इसके लिए क्या फीचर, इसका क्राइटेरिया और अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा बैंक ऑफ खैबर से, जिसमें आपको बैंक ऑफ खैबर से सोलर पैनल लगवाने के लिए ये फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इसका फॉर्म आ जाएगा जिसमें अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, CNID कार्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मेल फीमेल, अपने फ़ोन नंबर के साथ ईमेल लिखेंगे, आपका पेशा क्या है, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ और जॉब कर रहे हैं, मंथली सैलरी आपकी कितनी है, और यहाँ पर अपने घर के एड्रेस के बाद आपको ये जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है उसको लिख के आपने फॉर्म को सबमिट करना है। और लास्ट वन जो बात आ जाती है फैसल बैंक से, आपको सोलो पैनल लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। फैसल बैंक से सोलो पैनल लगवाने के लिए आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कितनी आपको डिटेल्स के साथ 21 साल से लेकर 60 साल के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे। फैसल बैंक के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म को जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन फैसल बैंक में आपको सोलो पैनल अप्लाई करने के लिए आपको पहले इनका क्राइटेरिया पढ़ लेना है जिसकी डिटेल्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एसएमएस करना है 9181 पे या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है, जो कि बैंक का नुमाइंदा आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपसे बताएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं, तो आपको सारा गाइड किया जाएगा। ये हैं वो बैंक जो पाकिस्तान में सोलर पैनल दे रहे हैं और आप भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें फैसल बैंक, बैंक ऑफ खैबर, बैंक इस्लामिक, बैंक अल्फ़ला के साथ आपको यहाँ पर दीगर और बैंक जिसमें अलाइड बैंक हैं, बैंक अल बरका है, मैज़ान बैंक के साथ बैंक ऑफ पंजाब है। बिजली के भारी बिलों से परेशान अफराद के लिए कई बैंकों ने आवाम के रिलीफ के लिए इन स्कीम्स का ऐलान किया है, जिसकी तफसीलात की डिटेल्स आप वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने के बाद जान सकते हैं। CM रोशन घराना प्रोग्राम में अभी तक अप्लाई शुरू नहीं हुआ, जो ही अप्लाई शुरू होगा उसकी तफसीलात की डिटेल्स सबसे पहले आपको चैनल वर्ष से ऑनलाइन के जरिए दी जाएंगी। और दीगर इस तरह मजीद और बैंकों की भी आपको सोलो पैनल की तफसीलात की डिटेल्स मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें। आपको अप्लाई के मेथड के साथ किसी भी स्कीम, इंटरनेशनल लेवल्स पर वीज़े, गवर्नमेंट जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स है रोज़ाना की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन मिलें। अल्लाह हाफिज़।